सिक्के हमेशा आवाज करते हैं मगर नोट हमेशा खामोश रहते हैं। इसलिए जब आपकी कीमत बढ़े तो शांत रहिए। अपनी हैसियत का शोर मचाने का जिम्मा अपने से कम कीमत वालों को दीजिए। अच्छे लोगों की सबसे बड़ी खूबी यही होती है कि उन्हें याद रखना नहीं पड़ता, वो याद रह जाते हैं। आप कोई भी अद्भुत कार्य करो और लोग उसको नजरअंदाज करें तो निराश मत होना, क्योंकि सूर्योदय के वक्त कई लोग सो रहे होते हैं। आप कोई भी अद्भुत कार्य करो और लोग उसको नजरअंदाज करें तो निराश मत होना, क्योंकि सूर्योदय के वक्त कई लोग सो रहे होते हैं। अपनी इच्छा को अपने वश में रखना चाहिए, दूसरे की मुट्ठी में नहीं। जरूरी नहीं कि कुत्ता ही वफादार निकले, वक्त आने पर आपका वफादार भी कुत्ता निकल सकता है। खुशियां हमेशा चंदन की तरह होती हैं, दूसरे के माथे पर लगाओ तो अपनी भी उंगली महक जाती है। पिता की मौजूदगी सूरज की तरह होती है, सूरज गर्म जरूर होता है, अगर ना हो तो अंधेरा सा छा जाता है। अगर आप किसी की मदद करते हैं तो कभी एहसान ना जताएं, क्योंकि एहसान जताने से आपकी पूरी अच्छाई खत्म हो जाती है। एक महान नेता वो नहीं जो बताए कि क्या करना है, बल्कि वो है जो खुद बताए कि इसे ऐसे करना है। मुसीबत में ये मत सोचो कि अब कौन काम आएगा, बल्कि ये सोचो कि अब कौन छोड़कर जाएगा। इरादे मेरे हमेशा साफ होते हैं, इसलिए कई लोग मेरे खिलाफ होते हैं। हर इंसान अपनी जुबां के पीछे छुपा हुआ है, अगर उसे समझना है तो उसे बोलने दो। गलत तो गलत है, चाहे इसे सारी दुनिया कह रही हो, सही तो सही है, फिर चाहे इसे आप अकेले ही कह रहे हो। कुएं में उतरने वाली बाल्टी यदि झुकती है तो भरकर बाहर आती है। जीवन का भी यही गणित है, जो झुकता है वही प्राप्त करता है। दादागिरी तो हम मरने के बाद भी करेंगे, लोग पैदल चलेंगे और हम कंधों पर। का रास्ता बना बनाया नहीं मिलता, स्वयं को बनाना पड़ता है। जिसने जैसा मार्ग बनाया उसे वैसी ही मंजिल मिलती है। रिश्ते और पौधे दोनों एक जैसे होते हैं, लगाकर भूल जाओ तो दोनों ही सूख जाते हैं। जिंदगी में कभी किसी को बेकार मत समझना, क्योंकि बंद पड़ी घड़ी भी दिन में दो बार सही समय बताती है। दुनिया आपको उस वक्त तक नहीं हरा सकती जब तक आप खुद से न हार जाओ। रिश्ते बनते रहें इतना ही बहुत है, सब हंसते रहें इतना ही बहुत है। हर कोई हर वक्त साथ नहीं रह सकता, एक दूसरे को याद करते रहें बस इतना ही बहुत है। इस दुनिया में कोई किसी का हमदर्द नहीं होता, लाश को शमशान में रखकर अपने लोग ही पूछते हैं और कितना वक्त लगेगा। एक रविवार ही तो है जो रिश्ते संभालता है, बाकी दिन तो किस्ते संभालने में निकल जाते हैं। रिश्तों की डोरी तब कमजोर होती है जब इंसान गलतफहमी में पैदा होने वाले सवालों का जवाब खुद ही बना लेता है। मौन एक साधना है, किंतु सोच समझकर बोलना एक कला है। जिस घर में प्रेम होता है वहां सफलता और धन स्वयं चलकर आते हैं।
तीन चीजें अगर चली गई तो कभी वापस नहीं आती, समय, शब्द और अवसर। तीन चीजें इंसान की अपनी होती हैं, रूप, भाग्य और स्वभाव। परेशानी में कोई सलाह मांगे तो सलाह के साथ अपना साथ भी देना चाहिए, क्योंकि सलाह गलत हो सकती है लेकिन साथ नहीं। उस आंसू से बचो जो किसी का दिल दुखाने से निकले, और उस आंसू की कद्र करो जो आपके लिए किसी की आंख से निकले। वाणी में भी अजीब शक्ति होती है, कड़वा बोलने वाले का शहद भी नहीं बिकता और मीठा बोलने वाले की मिर्ची भी बिक जाती है। सच की हालत भी तबायफ के जैसी है, तलबगार बहुत हैं, तरफदार कोई नहीं। सुंदरता की तलाश में चाहे सारी दुनिया का चक्कर लगा लो, लेकिन अगर वो आपके अंदर नहीं तो फिर कहीं नहीं। एक सपने के टूटकर चकनाचूर हो जाने के बाद दूसरा सपना देखने के हौसले को ही जिंदगी कहते हैं। सुधरना बिगड़ना मनुष्य के स्वभाव पर निर्भर करता है, ना कि माहौल पर। विभीषण रावण के राज्य में रहकर भी नहीं बिगड़ा और केकई राम के राज्य में रहकर भी नहीं सुधरी। जब तक सत्य घर से बाहर निकलता है तब तक झूठ आधी दुनिया घूम लेता है। खोने की दहशत और पाने की चाहत ना होती तो ना खुदा होता और ना कोई इबादत होती। माफी मांगने से कभी यह साबित नहीं होता कि हम गलत हैं और वो सही है। माफी का असली मतलब है कि हम में रिश्ता निभाने की काबिलियत उससे ज्यादा है। मत करना अभिमान अपने आप पर, हे इंसान, तेरे और मेरे जैसे कितनों को ईश्वर ने माटी से बनाकर माटी में मिला दिया। किसी का ये सोचकर साथ मत छोड़ना कि उसके पास कुछ भी नहीं तुम्हें देने के लिए, बस ये सोचकर साथ निभाना कि उसके पास कुछ नहीं तुम्हारे सेवा खोने के लिए। हर किसी को खुश करना शायद हमारे बस में ना हो, लेकिन किसी को हमारी वजह से दुख ना पहुंचे यह तो हमारे बस में ही है। दुआ जुबां से नहीं दिल से निकलती है, क्योंकि दुआ तो उनकी भी कबूल होती है जिनकी जुबां नहीं होती। आप कब सही थे इसे कोई याद नहीं रखता, आप कब गलत थे इसे कोई कभी नहीं भूलता। बड़ा आदमी बनना अच्छी बात है, लेकिन अच्छा आदमी बनना बड़ी बात है। घर के बाहर भले ही दिमाग ले जाओ, क्योंकि बाहर एक बाजार है, लेकिन घर के अंदर सिर्फ दिल ले जाओ, क्योंकि वहां एक परिवार है। ईगो की वजह से हम कितने रिश्तों से दूर हो जाते हैं, कोशिश करके देखिए, ज्यादा मुश्किल नहीं है किसी से माफी मांग लेना और किसी को माफ कर देना। जिंदगी में अगर बुरा वक्त नहीं आता तो अपनों में छुपे हुए गैर और गैरों में छुपे हुए अपने कभी नजर नहीं आते। जीवन में कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा ही नहीं। सब्र एक ऐसी सवारी है जो अपने सवार को कभी नहीं गिरने देती, ना किसी के कदमों में और ना किसी की नजरों में। विज्ञान कहता है कि जीभ पर लगी चोट सबसे जल्दी ठीक होती है, और ज्ञान कहता है कि जीभ से लगी चोट कभी ठीक नहीं होती।
इतना आसान नहीं है हर किरदार निभा पाना। इंसान को बिखरना पड़ता है रिश्तों को समेटने के लिए। ख्वाहिश नहीं मुझे मशहूर होने की, आप मुझे पहचानते हो, बस इतना ही काफी है।